आज हम सामा के चावल की खीर बना रहे हैं। ये सामा के चावल है हमारे पास 3/4 कटोरी, और ये जो चावल होते हैं इसको हम भगर भी कहते हैं और मोरधन भी कहते हैं, और इसे समा के चावल भी कहलाते हैं, व्रत के चावल भी नहीं कहते हैं। तो ये चावल ले लिए हैं हमने। हम एक बड़े बाउल में चावल को ट्रांसफर कर दें। अब इसे हम धोएंगे साफ 3 बार पानी से। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके मैं इसे 3 बार करके धो लेती हूँ अच्छे साफ। बढ़िया। जब भी आप चावल खरीदें ना तो ये देखें कि ज्यादा पुराने नहीं हो, ज्यादा पुराने चावलों में स्मेल आती है। ये देखिए कितना क्लाउडी पानी है, इस पानी को हम ड्रेन आउट करेंगे। देखिए चावल को मैंने अच्छे साफ 3 बार पानी से धो लिया है, इसका जो पानी है पूरी तरह निखार लिया है। इसे साइड पर रखेंगे। यहाँ पर हम ले रहे हैं 1 लीटर फुल क्रीम दूध, और ये मैंने वाइल्ड नहीं है, अभी कच्चा ही दूध है, रो मिल्क है। साथ में इसमें हम लेंगे चीनी। तो जिस कटोरी से मैंने चावल नापे थे उसी कटोरी से मैंने चीनी नाप कर दोनों को बराबर बराबर लिया है। चावल के बराबर चीनी लेंगे ना तो ये एक सा परफेक्ट मीठा रहेगा। आप इसमें मीठा अपनी चॉइस के हिसाब से थोड़ा कम ज्यादा भी कर सकते हैं। अब इसमें हम लेंगे, यहाँ पर मैं ले रही हूँ ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पर मैंने बादाम को ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कट करके ले लिया है, थोड़ी सी किशमिश लिए, 4-5 इलायची लिए हमने, और इलायची को ये जो मुंह है थोड़ा सा कूट करके हम खोल लेंगे। ड्राई फ्रूट्स भी आप अपने चॉइस के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम गैस चूल्हा ऑन करेंगे और इस पर एक नॉन स्टिक पैन रखेंगे, आंच को धीमा कर देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून प्योर घी और इसे थोड़ा गर्म करेंगे। घी जैसे हल्का गर्म होगा इसमें हम ये समा चावल डाल देंगे जो हमने धोकर रखे हैं, इनका पानी जो है अच्छी तरह से निथारना। अब इसे हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं, ये कोई खास टिप्स तो नहीं है, लेकिन अगर आप इसे घी में हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं ना तो जो इसमें चावल की एक स्मेल होती है वो खत्म हो जाती है। अदरवाइज आपके चावल जो है पुराने भी हुए तो इसमें एक स्मेल आती है, वो स्मेल चली जाएगी, इसलिए इसे हम रोस्ट करते हैं। तो इसे धीमी आंच पर ऐसे कंटिन्यू चलाते हुए हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। बोनस इस तरह से अगर आप चावल को रोस्ट करके खीर बनाते हैं ना तो ये जल्दी बन जाती है, इसे बनाने में टाइम भी कम लगता है, तेजी से खीर जो है गाढ़ी होती है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। देखिए ये बढ़िया से रोस्ट हो गए हैं, इन्हें बहुत ज्यादा रोस्ट नहीं करना है कि इनका कलर चेंज हो जाए, बस हल्के से रोस्ट करना है। ये अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब गैस को हम बंद कर देंगे और इस पर हम एक कढ़ाई रखेंगे। इस कढ़ाई में हम डाल देंगे 1 लीटर दूध जो हमने मेंशन किया था। गाढ़ी मलाईदार खीर बनाने के लिए आप हमेशा फुल क्रीम दूध का ही यूज किया कीजिए, और इसे अब हम एक उबाल आने तक इसका इंतजार करेंगे, हाई फ्लेम पर इसको उबलने देंगे। जिन्हें कम कैलोरी चाहिए या फिर आप डाइट पे हैं तो आप इसे रिम हटाकर भी ले सकते हैं इसका। देखिए दूध में बढ़िया सा उबाल आ गया है, इसे कंटिन्यू चलाते हुए हमें उबालना है जिससे इसमें मलाई नहीं जमे। अब ये अच्छे से उबल गया है तो इसमें हम डाल देंगे ये सामा चावल जो हमने रोस्ट करके रखे हैं। अब इसे हमें कंटिन्यू चलाते हुए पकाना है खीर को गाढ़ा होने तक, और इसे हम हाई फ्लेम पर ही पकाएंगे। जरूरत लगी, जैसे दूध उफनने लगा, खीर उफनने लगी, तो हम आंच को थोड़ा बीच बीच में धीमा भी करते जाएंगे तो ये जल्दी से पकेगी। इसमें हम इलायची डाल देंगे। इलायची के मैंने छिलके खोल लिए हैं कूटने के बाद। अगर आप इलायची पाउडर डालें तो खीर पूरा बनने के बाद, जब आप गैस बंद करते हैं ना उस स्टेज पर डालिए, लेकिन अगर साबित इलायची आप डाल रहे हैं तो इस स्टेज पर डालें। ऐसे इलायची डालने से फ्लेवरफुल और बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत अच्छी खुशबू आती है खीर में। तो आप कंटिन्यू से हम पकाएंगे और इसकी किनारों को ऐसे स्क्रेच करते जाएंगे जिससे बढ़िया गाढ़ी मलाईदार रबड़ी जैसे खीर बनकर तैयार होगी। तो तकरीबन 15 मिनट लगेगा इसे बनाने में। 15 मिनट में चावल जो है बहुत आराम से गल जाएंगे। देखिए पक पक कर अच्छी गाढ़ी हो गई है, और अब इस स्टेज में हम इस पे डालेंगे चीनी। देखिए चीनी डाल देंगे हम, चीनी डाल करके मिक्स करेंगे, और अब चीनी के घुलने तक और थोड़ी सी खीर को गाढ़ा होने तक पकाएंगे लगभग 4 से 5 मिनट के लिए। चीनी डालने के बाद जो है चीजें थोड़ा पतली हो जाती हैं। देखिए पकते पकते जो है खीर हमारी बहुत जल्दी से गाढ़ी हो गई है, इसे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता बनाने में, पूरे टाइम हमारे 9 से 10 मिनट लगा है, बढ़िया गाढ़ी खीर बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए कंसिस्टेंसी, बस हमें इतना ही पकाना है क्योंकि रखने के बाद जो है खीर गाढ़ी होती है। तो आप जो ड्राई फ्रूट्स हमने मेंशन किए थे वो इसमें डालेंगे। साथ में मैंने थोड़ी सी इसमें चिरौंजी ले ली है। ये सब चीजें डाल करके अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। देखिए अब हम गैस को कर देते हैं बंद। ये देखिए बढ़िया सी खीर बन करके तैयार है। तो अब चलिए चलते हैं, इसे जल्दी से डिश आउट करते हैं। अभी गरम गरम है, आप इसे फ्रिज में रखकर खाइए। फ्रिज में रखकर खाने से बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। फिलहाल मैं आपको गरम ही गरम इसे सर्व करके दिखाती हूँ कि देखिए खीर जो है हमारी कितनी अच्छी गाढ़ी बनी है, इसकी जो कंसिस्टेंसी आप देख पा रहे होंगे। आपने देखा ना कितनी आसानी से सामा चावल की खीर बनकर तैयार हो जाती है। इसे बनाने में पूरा टाइम सिर्फ 15 मिनट लगता है और बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत टेस्टी बनती है। इस तरह से इसकी खीर बनाइए और ऊपर से फिर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स इस पर गार्निश कीजिए और इसे ठंडा ठंडा सर्व कीजिए। खाने में बहुत मज़ेदार लगती है। पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।